अरे कर रहे बहुत थे, छुपे, घुमा कर बहुत स्कूल रहे थे छुपे हम और लोग। बहुत आ मार खा है। भैया और की टीसी आ गई है, अब अरे भैया कहीं और जा रहे हैं पढ़ाई करने। आज सुबह की गुड मॉर्निंग हुई है हमारी 7:30 बजे, क्योंकि आज से क्या शॉप ओपन हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठ गए। और मैं खुद आश्चर्य हूँ कि इतने जल्दी उठ कर ले गए, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। देखिए तबाही, मतलब क्लाउड भी एक नंबर दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें यहीं पे दिखाएंगे। नहा के हो गया हूँ रेडी, और आज ना मतलब 9 बजे तक तैयार हो गए दोनों दोनों। कैसे, तुम कितना बजे उठे थे तुम? 7, मतलब आधे घंटे का फासला। तो अभी चलते हैं शॉप, 9 बज गए हैं यहाँ पे, और जो टाइमिंग है वो 9 से 7 हो गई है, तो 9 से 7 तक शॉप संभालना है आज। और बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोग खुद यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। आज सोच रहा हूँ कि इनकी स्कूटी की सर्विसिंग भी करा लूँ लगे हाथ, क्योंकि वैसे टाइम तो मिलता नहीं है और शॉप भी क्लोज रहती है, तो आज खुली है तो करवा ही लेते हैं। इतना देर वीडियो में हो गया तो एक बार पूछ लेते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे, और मस्ती रहना है। तो अभी फिलहाल तो चलते हैं शॉप। आज हमको करानी है इस गाड़ी की सर्विसिंग, और अभी चलते हैं यहाँ से। मतलब आज बड़े दिनों के बाद शॉप जा रहे हैं ना, मतलब जैसे एक्साइटमेंट आ रहा है, जिसके लिए शब्द ही नहीं। चलिए चलते हैं शॉप, जाके मिलता हूँ मैं आप लोगों से। बाकी शॉप के जो नज़ारे हैं वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएंगे। हैं, मिलता हूं मैं आप लोगों को शॉप जाकर। जय माता रानी। पहुंच चुके हैं दंतेवाड़ा, और जैसे आज जो रोड ब्लॉक थी वो खोल दी गई है। देखिए सारी दुकानें जो है धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई। शॉप पहुंच गए हैं, शॉप ओपन करते हैं, उसके बाद ओपन तो हो ही गई है मतलब, पर सामान बाहर निकालते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और अभी जा रहा हूँ मैं गाड़ी की सर्विसिंग कराने। जी बड़े दिन हो गए गाड़ी की सर्विसिंग कराने का मन था, लेकिन लॉकडाउन हो गया, उसके चक्कर में फिर सर्विसिंग नहीं करा पाए। लेकिन अभी देखते हैं, जाके सर्विसिंग हो जाती है तो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इधर तो शायद गेट बंद हो गया है, तो वापस घुमाते हैं गाड़ी और उधर से चला जाए। चलिए जब यही वाली रोड चालू करनी थी तो वो रोड को चालू क्यों करना था, पब्लिक पूरे परेशान हो गई बेचारी। चलो हम तो गाड़ी बनवाने जा रहे हैं, जब तक गाड़ी बनवा लेते हैं और क्या। अब बड़े टाइम हो गए थे इसको सर्विसिंग नहीं कराया था, तो अब मैं सोच रहा हूँ करवा लूँ, क्योंकि ये शायद ना एवरेज ही देरी। सर्विसिंग कर दे, टाइम लगेगा, कितना देर लगेगा? चल ठीक है, जब तक मैं फिर आ रहा हूँ उधर। तो अभी फ़िलहाल तो सर्विसिंग के लिए भाई थोड़ा सा बिजी था, उसका भाई नहीं आया हुआ है, तो थोड़ी देर बाद आएंगे। और अभी चलते हैं हमारे अभिषेक भाई के पास। और यहाँ पर फिर से बड़े दिनों के बाद आज फंसे हैं। ट्रेन 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 जा रही है किरंदुल की तरफ। और बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो ट्रेन के डिब्बे गिना करते थे, बट गिनती भूल जाया करते थे अक्सर। कितने लोगों ने ऐसे किया बताइएगा, और ट्रेन तो खत्म हो गई। तो ये वाला जो स्कूल देख रहे हैं ना, यहीं से मैं पढ़ के निकला हूँ, और
और यहाँ पर बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ के बहुत सारे फ्रेंड्स से जो आज भी हैं अभी। और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं टीसी लेने के लिए, हमारे जो अभिषेक भाई है उनकी बहन पढ़ती है यहाँ पर, टीसी लेने के लिए हुए इसीलिए सोच रहे हैं आज यहाँ का आपको टूर करा देते हैं। तो चलिए पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई देख। यह है हमारे स्कूल का बरामदा जहाँ पर हम प्रार्थना किया करते थे और यहाँ है ग्राउंड और आज भी ना, अरे हाँ, और आज भी ना हम लोग के स्कूल में ना शिशु मंदिर, मतलब जहाँ भी शिशु मंदिर है वहाँ पर संस्कृत को ज़्यादा प्राथमिकता, तो वैसे ही देखिए कक्षा अष्टम दशम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पुरानी यादें जो थी वो ताज़ा हो। और अभी तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये ऊपर का जो रो देख रहे हैं, ऊपर वाला रो था जो जब हम लोग थे यहाँ पर पढ़ते थे तो ये वाला रो नहीं था और ये ऊपर का रो नहीं था, ये सब सारी चीज़ें अभी अभी बनी। और ना बड़े दिनों के बाद आके ना मज़ा आ गया और काफ़ी सारी यादें जो थी ना पुरानी वो ताज़ा हो गई। और जो मेरे पीछे वो तालाब देख रहे हैं ना, यहाँ पर बायडो करके एक वो जो पौधा होता है वो खुजली वाला, उसको ला के ना हम लोग ना टेबल बेंच में घिस देते थे, मतलब ना बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई आके। और ना आज ना पुरानी जितनी भी यादें थी वो सारी ताज़ा हो गई और बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन एक भी टीचर जो है पुराने वाले यहाँ पर नहीं है जो हमें पढ़ाए थे, मतलब आज भी हम उनको बहुत मिस कर। हाँ, और स्कूल जो पहले था ना वो अभी पूरा चेंज हो गया, जैसा पहले हुआ करता था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तालाब में हम स्कूल छुपा, बहुत छुपे, बहुत स्कूल छुपे हम लोग, बहुत मार खाए। और आप लोग चलिए अभी यहाँ से चलते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आप लोगों ने स्कूल छुपा है या नहीं छुपा है, और स्कूल छुपा है स्कूल ख़त्म होने के बाद, कॉलेज वॉलेज ख़त्म करने के बाद फिर से स्कूल कभी गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर टीसी ले लिया और अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। भैया की टीसी आ गई है, अब भैया कहीं और जा रहे हैं पढ़ाई करने। मजाक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। घूम लिया स्कूल घूमने के बाद, भाई को भी मैं छोड़ दिया हूँ दुकान में और मैं जा रहा हूँ अभी गाड़ी की सर्विसिंग करने, सर्विसिंग कराते हैं या भाई के पास छोड़ देंगे, मेरे को वापस दुकान छोड़ दे, चलते हैं जो भी होता है पता चलेगा। भाई क्या पहुँच गया, पूछ लेते हैं। मनोज हो जाएगा तो जो भाई है उसको लेके जा रहा हूँ मैं शॉप में, शॉप में मुझे छोड़ देंगे, उसके बाद ये गाड़ी को लेके चले जाएंगे। और मार्केट का हाल तो देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तो शॉप पहुंच गए और खाना खाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना ना भूख लग रही है। 2 hours later हमारे हाथ में गाड़ी जो है वो आ चुकी है बनके और काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, अभी चलते हैं दुकान। Many hours later आज मॉर्निंग से शॉप संभालते संभालते हो गई है शाम, शाम के बज रहे हैं अभी 7:45 यानी कि 6:45, चलते हैं घर क्योंकि 7 बजे तक की परमिशन है, अगर 7 बजे की अब जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, फिलहाल तो चलते हैं शॉप बढ़ाते हैं। तो अभी शॉप जो है क्लोज कर दी हमने और अब जा रहे हैं सीधा घर को, इतने दिनों के बाद ना आज 7 बजे तक खोलने की परमिशन मिली थी लॉकडाउन के बाद से, चलते हैं अब घर, घर चल के अफसरों से मुलाकात करते हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। और आज शाम हो गई है और शाम का नज़ारा भी आप लोग बड़े दिनों बाद देख रहे होंगे दंतेवाड़ा का, क्योंकि बाकी टाइम तो हम 5 बजे ही घर पहुंच जाया करते थे, लेकिन आज हो गई है शाम और लाइट जो है काफ़ी अच्छा दिख रही है। चलिए मेन रोड की लाइटें दिखाते हैं आपको। तो भाइयों आ गए हम इस खूबसूरत से नज़ारे की तरफ जो कि रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और हमारी माई जी का दरबार वो भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब दिख रहा है, देखिए आप लोग को। जय माता रानी, जितने भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन सब पर कृपा बनाए रखिएगा और साथ में मेरे ऊपर भी भगवान। चलते हैं अभी हम। और ना आप लोगों ने ना कॉल ना काफ़ी ज़्यादा ना कमेंट किए, कमेंट इतने प्यारे प्यारे, दंतेवाड़ा कुछ इस तरह से। अरे चाचा
और अभी शायद पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन जो है वो खुल गया है। आप लोगों के जगहों पर खुला है या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी चलते हैं घर, सीधा वहीं पर मुलाकात करते हैं। तो भाई साहब घर पहुंच चुके हैं। और फिलहाल तो घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद का सीन ऐसा है ना कि ना पहले आते थे 5 बजे और 7 बजे जब से शॉप हुई तो 7:30 हो गए, और जैसे कि मैंने आप लोग बताया। और आज मेरी प्लानिंग थी कि ये बाल जो है ना कटा लें, बट ऐसा हो नहीं पाया और सारी चीज़ें आज जो थी अच्छे से निपट गई। और आप लोगों के इतने बेहतरीन बेहतरीन कमेंट आ रहे थे ना वीडियोज में कि ना मैं तो रिप्लाई करते करते अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के। कल परसों जब भी ये बाल है वो कट जाएंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को, अभी तो फिलहाल ये बाल नहीं कटे हैं। आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।